हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिंपल्स किचन। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेकरी जैसी पफ पेस्ट्री घर पे हम कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो जल्दी से देखते हैं इंग्रेडिएंट्स और फिर फटाफट बना लेते हैं। तो पफ पैटी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। तो डो लगाने के लिए मैंने लिया 2 कप मैदा। इसमें हम 1/2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच अजवाइन, और इसमें डालेंगे बटर। ये 100 ग्राम बटर है और इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं और हाथ से हम इसको मल लेंगे अच्छे से। और ये बिल्कुल ठंडा पानी है, इसके लिए नॉर्मल पानी या गर्म पानी नहीं चाहिए, बिल्कुल चिल्ड वाटर चाहिए। और धीरे धीरे करके हम आटा मल लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए नॉर्मल आटा लगाते हैं वैसे ही लगाना है, पतला नहीं होना चाहिए। तो डो हमने लगा लिया, अब पैटीज की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड मटर, बॉइल्ड आलू, ये मैंने कद्दूकस कर लिए, बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, हरा धनिया और करी पत्ता। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल देते हैं और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे करी पत्ता और साथ में ऐड कर देते हैं प्याज, थोड़ा सा जीरा, 1/4 टीस्पून मैंने जीरा डाल दिया। प्याज को अच्छे से भुन जाने देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं लहसुन, अदरक, अगर आप लहसुन अदरक नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। प्याज लहसुन अदरक हमारा भुन गया है, अब इसमें हम डालेंगे मटर और हरी मिर्च। अब इसमें डाल देते हैं नमक, लाल मिर्च, नमक लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैशर की हेल्प से मटर जो है इनको हम थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। अब आलू इसमें ऐड कर देते हैं, इनको अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर धनिया डाल देते हैं और ये हमारी पैटी की स्टफिंग रेडी हो गई। गैस हम बंद कर देते हैं। अब सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप हमारा है शीट्स बनाना। तो शीट्स बनाने के लिए हमें चाहिए ये 6 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 3 चम्मच देसी घी, इनको हम मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर के अंदर घी डाल देते हैं, अगर आप डालडा यूज़ करते हैं तो आप डालडा भी ले सकते हैं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है। कॉर्नफ्लोर घी में मिक्स हो जाना चाहिए, लम्स नहीं आने चाहिए। अब घी और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया, ये पेस्ट बन गया। जो डो हमने बनाया है इसको हम बेल लेते हैं। थोड़ा सा मैदा शेल्फ पे डस्ट कर दिया और हाथ से ही ये मिक्सचर जो बनाया है इसमें स्प्रेड कर देते हैं। ये हमारा मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने मिस नहीं करना और घी लगाने में कंजूसी नहीं करनी। अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा आटा डस्ट कर देते हैं और इसको फिर से बेल लेते हैं। अब इसके ऊपर फिर से यही रिपीट करेंगे और फिर से इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब इसको लंबा लंबा ऐसे करके पीसेस काट लेते हैं। अब हमने इसको ये इस साइड से प्रेस करना है और इसकी हमने रोटी बेल लेनी है, बिल्कुल पतली पतली सी रोटियां बेलनी है हमने, जितनी पतली आप बेल सकते हो एकदम पतली। तो शीट्स हमने ये बेल ली। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा आटा डस्ट करा, इसके ऊपर हमने ये पेस्ट जो बनाया हुआ है ये लगाना है। इसके ऊपर हमने ये लगा दिया, फिर से इस पे मैदा डस्ट करेंगे और हमारी दूसरी जो शीट है वो इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम जोड़ देते हैं और फिर से ये लगाना है हमने पेस्ट। फिर से आटा डस्ट कर दिया, ये शीट लगा दी। ये प्रोसीजर हमने 6 बार करना है ऐसे। जितनी ज्यादा आप शीट्स लगाओगे उतनी ज्यादा पैटी आपकी अच्छी बनेगी। सेम जो आप मार्केट में खाते हो पेस्ट्री, उसकी कितनी सारी लेयर्स होती हैं, ये सारी लेयर्स
उसी से बनती हैं। आज पैटी की परत दर परत वो राज खुलने वाले हैं कि इतनी परतें कैसे आती हैं इसमें, ये सारी इससे बनती हैं। आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन हाथ से अच्छे से फैलता है। ये इतनी मोटी हो गई, अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। अब इसके पीसेस काट लेते हैं। ये हमने 6 पीसेस काट लिए। अब इसको हमने ऐसे ही बेल लेना है। ये हमने राउंड शेप कर ली क्योंकि हमें स्क्वायर शेप चाहिए, तो साइड्स हमने इसकी काट दी। अब इसमें हम स्टफिंग डाल देते हैं। इसको पकड़ के यहाँ से हमने बंद कर देना है। बहुत अच्छे से इसको प्रेस करना है ताकि ये खुले ना। ये हमारी पैटी हो गई। बिल्कुल एंड तक हमने इसको मिला देना है ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले ना। ऐसे ही सारे हमने भर लेने। अब ये सारी हमने पैटी स्टफ कर ली। इसको हम 3 तरीके से बना सकते हैं, एयर फ्रायर में फ्राई करके या फिर बेक करके। तो घी हमारा गर्म है तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखो कितनी ज़्यादा क्रिस्पी एंड फूल फूल के बन रही है ना, एकदम शानदार। अब पैटीज तो हमारी रेडी हो गई और टेस्टिंग सेशन तो फिर बनता ही है, नहीं तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कैसा बना है ये। तो आज प्रोफेशनल टेस्टर तो हमारा घर पे नहीं है, तो आज टेस्ट करने आ रहे हैं बहुत ही महंगे स्टार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आपके लिए मैंने बनाई है आज बिल्कुल नए स्टाइल की पैटीज। टेस्ट करके देखूं? और क्यों बुलाया आपको मैंने? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इतने भाव खाते हैं ना ये, इतने ज्यादा भाव खाते हैं। पैटी से ज्यादा तो भाव ही खा रहे हैं ये। बहुत बढ़िया, खाते रहो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम डिफरेंट स्टाइल में बनाई है आज तो पैटी। इट्स डिफरेंट। तो अगर आपको पैटीज खानी है तो जरूर इस वीडियो को like देखना, लाइक भी करो, शेयर करो, कमेंट करो और इनको बोलो कि पैटी खाओ, भाव मत खाओ। और जब डिंपल्स किचन पे आपको टेस्टिंग सेशन के लिए बुलाया जाए तो आप जरूर आओ। डिंपल्स किचन पे आओ तो भाव मत खाओ। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ट्राई करना, कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपने घर पे ट्राई करी तो कैसी बनी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, 1 मिलियन पे पहुंचा दो। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।